अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों। तो एक नया चैप्टर लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजीएस्ट वे में जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कवर करवा दूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आप वहां से थंबनेल्स को देखकर आप जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करवाने वाला हूँ, उसकी आप आउटलाइन बना सकते हैं। ओके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। चलिए हेडिंग लगाएं। तो बहुत मजेदार टॉपिक है हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स। अब किसी हद तक आपको ना इसकी डेफिनेशन तो आती होती है, क्योंकि जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स करते हैं तो वहां पर इसकी डेफिनेशन और चंद एक एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। अब सुने जरा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन एटम। कार्बन एटम के अलावा कम से कम एक कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सही है, तो एक दफा डेफिनेशन फिर उसकी एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए, दीज कंपाउंड्स मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप लिख लीजिएगा, दीज कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स That contains at least one atom other than carbon atom. For example, बेटा ये स्ट्रक्चर तो सब बच्चों ने देखा होगा, क्या बनाया मैंने, बेंजीन। सही है, अब यहां पर आपको पता है कि ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इसमें सिक्स कार्बन हैं और सिक्स ही हाइड्रोजन हैं। ये आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब जस्ट आप यहां पर कार्बन की जगह अगर आप नाइट्रोजन लगा दें तो ये बेंजीन नहीं रहा। अब ये आपके पास C5H5N, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका पीरीडीन है। तो अब यहां से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि ये कार्बन एटम है, कार्बन के अलावा कम से कम एक एटम ऐसा है जो कार्बन से जरा हटकर है। अब डेफिनेशन देखें, दैट कंटेन एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन एटम। अब जो ये अदर देन कार्बन एटम है, ये कौन कौन से एटम्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। मोस्टली हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको यही तीन एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ कुछ इंपोर्टेंट हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखवाऊंगा और उसकी क्या इंपोर्टेंस है, उसको याद क्यों करना इंपोर्टेंट है और उसको आपने याद किस तरह करना है, ये सारी ट्रिक्स आपको मैं बताकर जाऊंगा। सही है, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5-6 मिनट में जब मैं आपको हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखवाऊंगा तो उसमें मोस्टली जो हेट्रो एलिमेंट यूज होंगे ना, वो या तो नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा। ये मोस्टली यही यूज होने वाले हैं। ओके, अब जैसे ही आपका क्या है, पिरिडीन है। अब देखिए, ये आपको इंटर की बुक्स में आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं थायोफीन। तो देखें यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर कार्बन है, बट एक आपका जो सल्फर इंट्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, थायोफीन। अच्छा, ये निकला कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, ये साइक्लोपेंटा 1,3-डाईइन, ये क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड है ना।
ये आपका है साइक्लो पेंटा 1.3 डाई ई। यार ये कंपाउंड है, बट अगर हम इस कार्बन की जगह यहां पर सल्फर लगा दें तो यार ये फिर साइक्लो पेंटा 1.3 डाई ई नहीं रहता, ये थायोफिन बन जाता है। सही है? तो अगर तो यहां पर यही है तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, बट कार्बन के अलावा कम से कम एक अगर यहां पर आपका कोई हेट्रो एटम यूज हो जाए, जैसे ये सल्फर आ गया इन्हीं में से है ना, तो ये फिर आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, दैट्स कॉल्ड थायोफिन। तो आपको समझ आया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, और साइक्लिक नाम से पता चल रहा है आपको क्या है, साइक्लिक। ओके, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन के अलावा कम से कम एक जो है वो एलिमेंट यूज होगा अदर देन कार्बन एटम, उसको हम जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। होप सो आपको डेफिनेशन तो समझ आई होगी। ओके okay? अच्छा, अब यहां पर देखें, ये एक अलग से चैप्टर तो है ही, बट हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच भी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो याद रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एप्लीकेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस देखेंगे कि उनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि उन्हीं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, डेली लाइफ में उसका कहाँ पर यूज है, उनके एप्लीकेशन क्या है, और फिर उनके केमिकल रिएक्शन को भी कवर करेंगे। तो याद रखिएगा कि इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हम डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और उनके केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके okay? तो इतना जरा आप नोट करें। ओके okay. अब मैं आपको नोट कर लिया, चलिए। अच्छा प्यारे बच्चों, अब जरा आप हेडिंग लगा लें, एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एक दफा ये आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नोट करें, फिर इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। वेल नोन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको मैं लिखवाने वाला हूं। ऑक्साजोल, आइसोऑक्साजोल, थायाजोल, आइसोथायाजोल, फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सही है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। क्या है ये? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके, ये ना सॉल्वेंट भी यूज होता है। थायोफीन,
पायरोल, ये नाइट्रोजन है इधर, ये है आपका पायराजोल, इमिडाजोल, ये भी आपको बहुत फेमस देखने को मिलता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी अभी। क्या है आपका पीरिडीन, पी रिडीन, ओके। क्या पीरिडायाजीन, प्रिमिडीन, ये नहीं है अभी, ये लास्ट पर आ जाएगा आपको, ऐसे मैं इसको बता देता हूँ जी, पायराजाइन। ये याद भी करने हैं आपने, ठीक है, याद किस तरह करने हैं वो भी आपको बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है इनको याद करने का, सही है। हाँ, कि मैं कहूँ कि ये शॉर्टकट पकड़ो, याद करो, याद करने ही पड़ेंगे आपको, सही है, लेकिन याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, सही है, कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, पायरेन, दैट इज पायरोलिडीन, देखिए मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ये है आपका पिपरिडीन, पिपराजाइन, मोरफोलिन, अब ये जितने भी थे ये आपके पास वन रिंग थे, ठीक है, मोनोसाइक्लिक, दीज आर मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सही है, जिसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है। अब से जो स्टार्ट होंगे वो आपके पास पॉलीसाइक्लिक, इनको बोला जाता है, जिसमें एक से ज्यादा रिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए ये आपका है क्रोमेन। अच्छा यहां पर एक चीज ये कि ये जो आपका बॉन्ड आता है ना, जब भी दो रिंग आपकी फ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है, लाइक दिस, मतलब ये साइड इनकी क्या हो गई, ये कॉमन हो गई ना, तो बेटा ये जो आपका बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड इस रिंग का भी होता है और इस रिंग का भी होता है, ठीक है, मतलब यहां पर भी आपका ये वाला डबल बॉन्ड अब दोनों रिंग में प्रेजेंट है, सही है, ओके। तो क्या हो गया ये क्रोमेन, इट इज क्रोमोन, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस रिंग का भी है और इस रिंग का भी है, क्लियर है, ओके। इसको अगर मैं यूं ही लिखूं तो आपको ज्यादा समझ आएगी जी, सही है। ये आपका है क्विनोलिन, क्विनोलिन, अच्छा इसको ना यूं भी लिखा जाता है, ठीक है, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेट्स आर क्विनोलिन। चलिए वो मेरी भतीजी स्पेशल दरवाजा खोल के मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए रोक के मुझे कहती, चाचू आपने ना हमें शाम को पिज्जा खिला के लेके आना है, ठीक है, तो उनको मैंने कहा कि यार मुझे लेक्चर तो रिकॉर्ड करने दो,
बच्चे बच्चे होते हैं, फिर वो दरवाजा खोल के खड़ी होगी। चले अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि जहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है वहां पर आप यहाँ पर सर्कल भी तो लगाते हो, जैसे बेंजीन होते हैं ना। तो अब ये वाला आप कहेंगे सर यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या है, तो बेटा ये वाला जो बोर्ड है अब यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐसे नहीं आप लगाओगे तो ट्रिपल बोर्ड हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पर देखो ये वाला, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रही है, पाई सिग्मा मतलब कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो जब कॉन्जुगेशन आ जाए तो फिर आप ये सर्कल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका हाइब्रिड फॉर्म आप जानते हैं। तो ये आपका, ये भी क्विनोलिन है और ये भी क्विनोलिन है, दोनों तरह से अगर आपको आए तो आपने परेशान नहीं होना, समझिएगा ये आपका एक ही कंपाउंड है। ओके, ये आपका है आइसोक्विनोलिन। अच्छा, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में डिफरेंस क्या है? यहां पर नाइट्रोजन इस पोजीशन पे है और यहां पर नाइट्रोजन इस पोजीशन पे है, तो जस्ट एक एटम की, एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाने से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए पिरिडीन था, अब यहां पर भी अगर नाइट्रोजन आ जाए तो वो क्या बनता है, पिरिडायाजीन। अगर यहां से यहां पर नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, मतलब यहां से यहां पर ऊपर चला जाए तो इसको बोलते हैं पिरिमिडीन, और अगर यहां से भी ऊपर इस पोजीशन पर नाइट्रोजन आ जाए तो उसको बोलते हैं पायराजाइन। तो आप देख सकते हैं कि पिरिडायाजीन, पिरिमिडीन और पायराजाइन का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। आप इसका 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 इन तीनों का अगर आप मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, मतलब एक दूसरे, मतलब जस्ट हुआ क्या, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, पोजिशनल आइसोमर है एक दूसरे का, क्लियर है। हाँ, जैसे ये है आपके पास थायाजोल और आइसोथायाजोल। अगर नाइट्रोजन यहां पर है, सल्फर तो अपनी जगह पर ही है ना, अगर नाइट्रोजन यहां पर है तो ये थायाजोल है, नाइट्रोजन यहां से यहां मूव कर गया तो ये आइसोथायाजोल है, ये वाली पोजीशन आइसो होती है। ओके, तो ये भी एक दूसरे का आइसोमर्स हुए। यहां पर देखो ये ऑक्साजोल है, नाइट्रोजन यहां से यहां पर आ गया तो फिर वो आइसो ऑक्साजोल हो गया। तो याद रखिएगा कि यहां पर और यहां पर इनमें डिफरेंस क्या है, इधर ऑक्सीजन है इधर सल्फर है, इधर ऑक्सीजन है इधर सल्फर है, तो सल्फर के लिए हम थाया का वर्ड यूज करते हैं, सही है। तो इस तरह कुछ ट्रिक्स भी आपको जहन में रख के इन कंपाउंड्स को याद करना है, क्लियर है। चलिए इतना नोट कर लिया, क्विनोलिन आइसो क्विनोलिन। ओके, नेक्स्ट है आपका दिस वन। अब ये आप रिंग है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, दैट इज इंडोल। आइसो इंडोल, इतना नोट करें। अब ये क्विनोलिन, आइसो क्विनोलिन, इंडोल, आइसो इंडोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिनकी आगे हमने सिंथेसिस करनी है, और डिफरेंट मेथड से हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, सही है। इनको स्टेरिक कर लें, क्विनोलिन, आइसो क्विनोलिन, इंडोल, आइसो इंडोल, ये तो आपको वैसे याद हो जाएंगे ना, जब इतनी दफा इनकी हम सिंथेसिस करेंगे आपको मजा आएगा, क्लियर है। नोट करें जल्दी से, फिर और भी कंपाउंड लिखवाता हूँ अभी आपको, नोट कर लिया, रेज कर दूं। ओके, सेकेंड ईयर की बुक में तो जस्ट आपको तीन चार ही कंपाउंड्स नजर आते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, थाउजेंड्स के हिसाब से हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन जो वेल नोन हेट्रोसाइक्लिक है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं या यूज होते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये जो कंपाउंड्स यहां तक मैंने लिखवाया था ना, ये इतने फेमस है कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब जो आने वाले हैं ना, ये उतने फेमस नहीं है जितने ये थे, जितने जो आपने आपको लिखवा दिए, ठीक है, याद तो आपने सारी करना है, लेकिन जो अभी मैंने पेज रेस किया है ये तो आपको आने ही आने चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, सही है। हाँ, अभी जो है नेक्स्ट यूज होंगे उसमें अगर थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल भी जाए कि यार इतना याद नहीं हो रहा, तो उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हो, बट याद करने हैं आपने, याद क्यों करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका, तीन आइसोमर्स आ रहे हैं, ये है आपका
1.2.4 ऑक्सो थाया जाइन। डेट इज 1.3.4 ऑक्सा थाया जाइन एंड ये है आपका 1.4.3 ऑक्सा थाया जाइन। ठीक है, ये भी ऑक्सा ही है, नॉट ऑक्सो। चलिए तो जस्ट इनको भी आप अगर देखेंगे तो ऑक्सा थायाजीन ही है, बट जस्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर की आपके पास क्या है, पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कि ये एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन सल्फर नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट है। अभी तक आप देख रहे थे किसी में नाइट्रोजन है, किसी में सल्फर है, किसी में ऑक्सीजन है, बट ऑक्सा थायाजीन ऐसा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें कार्बन कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिस इज ऑक्साजाइन। अच्छा एक ये कंपाउंड, एक ये और एक ये, इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, ये भी एक दूसरे के आइसोमर लग रहे हैं, जस्ट नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है इस नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन यहां पर है, फिर इस पोजीशन पर आता है, फिर इस पोजीशन पर आता है। ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्वीन ऑफ द लाइन। ये है आपका क्वीन एजोलीन और ये आपका है सिनोलीन। ठीक है, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्वीन ऑक्सालीन, क्वीन एजोलीन और सिनोलीन। अब आपके पास थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक आने वाले हैं जिसमें तीन रिंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। दिस वन, ये है आपका इक्रिडीन। ठीक है, अभी तक दो थी बट यहां पर आपके पास तीन रिंग्स आ गई जिसको बोलते हैं इक्रिडीन। फेनोक्साजाइन, फेनोक्साजाइन दिस इज फ्लेवोनोन। दिस वन इज फ्लेवोन। ओके, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जस्ट यहां पर डबल बोन्ड नहीं, यहां पर डबल बोन्ड आ गया। ठीक है, फ्लेवोन। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, यहां पर सेम है सारा। इसको अगर मैं छुपा लूं, यहां पर देखो ये क्या है आपका फ्लेवोन ही बन गया। जस्ट यहां पर अगर आप OH लगा दें, इसको बोलते हैं फ्लेवोनोल, अल्कोहल बन गई ना, फ्लेवोनोल। सही, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते। ओके, अब यहां से ही फ्लेवोन से आप तीन स्ट्रक्चर और आपके बनते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। इतना नोट करें जरा। ओके प्यारे बच्चों, काफी है, बिल्कुल है।
इस तरह के ना आप दो स्ट्रक्चर्स और ड्रॉ करें जल्दी से, फिर बताता हूँ आपको। चलिए अच्छा, आप सुनो जरा डिफरेंस कहां पर है। तीनों कंपाउंड्स में इसमें इसमें और इसमें सेम है अभी तक तो, OH OH लगा दिया, इधर भी लगा दे OH OH, यहां पर भी सेम पोजीशन पर OH एंड OH, सर अभी तक भी सेम है, कोई डिफरेंस आया नहीं। अब आएगा यहां पर OH OH OH, अब फर्क ढूंढे जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट थ्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नीचे करके दिखा देता हूं जी, अब देखें जरा, जस्ट OH हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसकी एडिशन हो रही है, जो फर्स्ट वन आपका कंपाउंड है नोट कर लिया। चलिए यहां पर जस्ट एक OH है, यहां पर दो OH आ जाते हैं, यहां पर तीन OH आ जाते हैं। बेटा इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एपिजेनिन, एपिजेनिन ये है आपका, इधर मैं लिख देता हूं लूटियोलिन एंड दिस वन इज ट्राइसेटिन, ठीक है ट्राइसेटिन इसको बोलते हैं। तो ये आपके ऑलमोस्ट 40 प्लस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने आपको लिख पाए, ठीक है। अब सुनो इसको नोट कर लें जल्दी से। अच्छा बेटा जितने भी आपको मैंने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखवाए हैं सबसे पहले तो समझे, मैं आपको बता दिया याद करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है आपको। हाँ एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से आप को रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर इसकी पोजीशन ये थी, इससे मिलता जुलता कंपाउंड ये है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, बट एक पोजीशन चेंज हो जाने से आपका पूरे कंपाउंड का नेम चेंज हो जाता है और कंफ्यूजन ये रहती है कि नाम मिलते जुलते हैं, ठीक है। हाँ तो वो फिर मिसकंसेप्शन से हो जाती है कि इसका कंपाउंड का नेम क्या है, इसका कंपाउंड का नेम क्या है। एनीवेज आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई कंपाउंड बनाया जाए तो उसका नाम आपको आना चाहिए और अगर किसी का नेम लिखा जाए तो आपका वो कंपाउंड आपके जहन में आ जाना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ओके। अब इसको याद करने का तरीका पता क्या है, आप क्या करें, इजिएस्ट वे है जिस पर जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था जब मैं खुद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कर रहा था, तो अगर तो आप इन कंपाउंड्स को सर पे सवार करके टेंशन लेकर ये कहकर कि ये तो याद होने ही नहीं है, इतने कंपाउंड कौन याद करे, ठीक है तो फिर नहीं याद होने। बट अगर आप इंटरेस्ट लेकर और मजेदार ट्रिक्स के साथ इसको याद करेंगे ना, तो यकीन करें विद इन वीक आपको ये कंपाउंड याद हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि इन सभी कंपाउंड्स को जो मैंने आपको 40 प्लस लिखवाए हैं उनको आपने एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिखकर उसको अपनी पॉकेट में डाल लेना। आपको बेटा एक दिन में चाहे 5 मिनट ही फ्री टाइम मिलता है ना, आप किसी शॉप पे गए वहां पर आपको टाइम लग गया, तो आपने क्या करना है कि उस पेज को निकालना है और उसको इन कंपाउंड्स को देखना शुरू कर देना, ठीक है। जस्ट इमेजिन इन पिक्चर्स को अपने माइंड में सेट करना शुरू कर देना है कि हाँ ये कंपाउंड है इसका नेम ये है, ये कंपाउंड है इसका नेम ये है, सही है। तो आप यकीन करें विद इन वीक आप ये काम करके देखें, जहां भी आप किसी बाइक पे जा रहे हैं आप अपने दोस्त के पीछे बैठे हैं उसको देखना शुरू कर दें, गर्ल्स एंड किचन में रोटी बना रही है सामने कंपाउंड अपने रख के उसको याद करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको विद इन वीक आप ये कंपाउंड पर ग्रिप करना शुरू कर देंगे, सही है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मा के साथ बाजार गए और एक शॉप पे जाके आपकी मामा और शॉपकीपर के दरमियान जो बहस होगी, वो कह रहा है आंटी मैंने आपको ये सूट 2500 का देना है, आपकी मामा कह रही नहीं मैंने तो 500 देना है। अब सबसे ज्यादा जो शर्म आती है ना बंदे को तब आती है कि यार वो 2500 कह रहा है मामा 500 से आगे नहीं जा रही, तो आप पता क्या करें, फिर वो पेज निकाली अपने सामने रखे और कंपाउंड को याद करना शुरू कर दी। यकीन करें
आपको ये सारे कंपाउंड्स याद हो जाएंगे, आपकी मामा की बहस नहीं खत्म होगी, ठीक है। हाँ होता है, सही है। तो इतना सर पे भूत सवार करके इनको याद नहीं करना, इसको ट्रिक्स के साथ, और ये बेस्ट वे है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ ऐसे हम बैठे रहते हैं ना फालतू सोशल मीडिया में, स्क्रॉल करते रहते हैं टिकटॉक इंस्टाग्राम, अपना टाइम सेव करें, अपना ये पेज अपने पॉकेट में रखें, जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें पेज निकालें और उसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। अब सुने मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि कि जो आने वाली नोमन क्लेचर है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नोमन क्लेचर बाकी नोमन क्लेचर जैसी नहीं है कि आपने रूल्स याद कर लिए, जैसे एल्कीन एल्कीन एल्काइन की है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर अमाइड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है ना, उनकी नॉर्मल क्लेचर के लिए टिपिकल रूल्स हैं, इन रूल्स को पकड़ो, याद करो, उसी के अकॉर्डिंग नेम दो आपका कंपाउंड आयुर्वेद क्या है। बट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देयर इज अ नो टिपिकल रूल, किसी भी कंपाउंड को नेम देने के लिए कोई एक रूल नहीं है। हो सकता है कि हर कंपाउंड को नेम देते हुए आपका रूल ही चेंज हो जाए, सही है। तो जब तक आप इन कंपाउंड्स को याद नहीं करेंगे, आपको इसकी नोमेनक्लेचर नहीं आने वाली, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो जो आने वाले लेक्चर्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप तब देखेंगे जब आपको ये कंपाउंड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। 100% ना भी हो, बट आपको ये थोड़ा बहुत स्केच तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इस कंपाउंड को ये कहते हैं, ठीक है। देन आपकी जो है वो नोमेनक्लेचर होगी, नोमेनक्लेचर वैसे भी हो जाएगी, बट प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपके सामने कोई कंपाउंड लिखूंगा ना और मैं कहूंगा इसका नेम क्या है, फिर आप पेजेस पीछे करोगे, हाँ भाई कितने पेजेस पीछे करके जाना पड़ेगा, हाँ इस कंपाउंड का नेम ये है फलाना है, फिर आगे आओगे तो फ्लो खराब हो जाता है, ठीक है, फिर वो मजा नहीं रहता। तो अगर आप अच्छे से नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दो लेक्चर्स में मैं आपको नोमेनक्लेचर कवर करवाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट लर्निंग दीज कंपाउंड आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं नोमेनक्लेचर के जो कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यूज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और थर्ड लेक्चर में मैं आपको हाउ टू नेम द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये इनके कॉमन नेम्स हैं जितने मैंने लिखवाए हैं, इनके कॉमन नेम है, आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।